सरकार शिक्षा में सुधार के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार नए भवन का बनवा रही है, लेकिन जहानाबाद के काकू प्रखंड के इस्लामोचक गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की लापरवाही के कारण स्कूल भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इसको लेकर ग्रामीणों ने आज स्कूल में तालाबंदी कर हेडमास्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल के प्रधानाचार्य के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भवन के लिए आए रुपए की पूरी निकासी कर ली गई है और अब तक भवन का निर्माण अधूरा है। शर्माग लाइफ के लिए जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। हम लोग तालाबंदी ग्रामीण मिलकर इसलिए किए हैं कि हम लोग सर एक आवेदन BDO साहब को दे दिए थे कि हमें बिल्डिंग अधूरा है, 3 तारीख तक हमें बिल्डिंग का काम पूरा करवा दें। तो हम लोग ताला नहीं लगाए, लेकिन 3 तारीख तक सर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, यहाँ बिल्डिंग अधूरा है सर। दूसरे में मास्टर साहब से हम लोग जब बात करते हैं तो एकदम आनंद फानंद में बात करते हैं, और दूसरी बात है कि हिसाब भी मांगते हैं तो सर आज तक हिसाब सचिव को नहीं दे सके। और बिल्डिंग सर 7,21,000 का एस्टिमेट बताते हैं मास्टर साहब, लेकिन हम लोग को एस्टिमेट आज तक दिखाए नहीं।